ये बदलते भारत की तस्वीर है। आज का भारत नवीन भारत, आज का भारत उत्तम भारत। मैं यहाँ पैगाम मोहब्बत लेके आया हूँ, जहाँ तक पहुँचे। मेरे साथ ये आप स्वामी जी साथ में खड़े देख रहे हैं, इसी का नाम भारत है। हमारी इबादत करने के तरीके अलग ज़रूर हो सकते हैं, पूजा पद्धति ज़रूर अलग हो सकती है, हमारी आस्थाएं ज़रूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है। आओ हम सब मिलकर इंसानियत को बरकरार रखें। दूसरा, हम सब भारतीय हैं, भारत में रहते हैं, तो हम सबको चाहिए कि हम अपने भारत को मजबूत करें। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। दूसरी बात यह है कि आज का जो पैगाम है, आज का जो संदेश है, वो नफ़रतों को ख़त्म करने के लिए है कि बहुत रंजिशें हो गईं, बहुत दुश्मनी हुई, बहुत लोग मारे गए, बहुत राजनीति हुई। अब हम सबको मिलकर एक होकर भारत को मजबूत करना है, भारतीयता को मजबूत करना है, राष्ट्र सर्वोपरि है, इसी पैगाम को आगे लेके जाना है। अखंड भारत हमारा बने, उसकी दिशा में आगे बढ़ें हम सब मिलकर, यही हमारा पैगाम है। जिस तरह से मोदी जी आज पूरी दुनिया के अंदर आज भारत को का नेतृत्व कर रहे हैं, तो हम भी सब मिलकर एक साथ होकर अपने राष्ट्र को मजबूत करें, यही हमारा पैगाम है। देखिए, मैं राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा मुझे निमंत्रण मिला, ऐसे चीफ इमाम होने के नाते मुझे जाना के लिए। मैं दो दिन तक इस पर बहुत विचार करता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा फैसला था। मैंने फिर फैसला ये लिया कि मुझे जाना है आपसे सौहार्द के लिए, अपने देश के लिए, राष्ट्रहित में। ये मैंने फैसला लेते हुए मैं अयोध्या चला गया। वहाँ जाके तमाम अयोध्या वासियों ने मेरा स्वागत किया, साधु संतों ने मोहब्बत का इजहार किया, इस्तकबाल किया। वहाँ से मैंने अपना एक पैगाम, जो कि पैगाम मोहब्बत, मैंने वहाँ से दिया। वो पैगाम मोहब्बत जो था, मैंने उसमें कहा कि हमारी सबकी जातियाँ ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारे पंथ ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारे इबादत करने की तरीके पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हमारे सबके धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत का है, और हम भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें, राष्ट्र सर्वोपरि है। ये पैगाम मोहब्बत जैसे ही दिया, देश के तमाम सारे चैनलों पर, तमाम सोशल मीडिया पर ये मेरा वायरल हो गया। वायरल होने के बाद उनको सबको ये मालूम हो गया कि इमाम साहब, चीफ इमाम साहब वहाँ पहुँच गए, और उन्होंने ये फतवा जारी कल किया है। वैसे तो मुझे 22 जनवरी की शाम से ही तमाम मेरे नंबर्स पर अलग अलग जगहों से मुझे धमकियाँ आने लगी, मेरे ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ माहौल बनाने लगे, मेरे खिलाफ उन्होंने जो अब्द शब्द जो कहने के होते हैं वो कहे, तमाम मुझे अलग अलग जगहों को, मुझे, मेरे परिवार को तमाम बहुत सारा बुरा भला कहा जाने लगा। इसी बीच में कुछ फ़ोन्स कॉल आए जिनको मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, उनके नंबर्स, जिन्होंने मुझे जान से मारने के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ देने के लिए जो इस तरह के फ़ोन आए, वो भी फ़ोन आए, माफ़ी के भी फ़ोन आए। तो लास्ट में कल रात को ही एक फतवा जारी हुआ है, जिनका नाम है मुफ्ती साबिर हुसैनी कासमी, जो शख्स एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं मुफ्तियों का, जिनका मुफ्ती क्लासेस के नाम से उनका चलता है। मैं उनको जानता नहीं हूँ, मेरी उनसे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये सोशल मीडिया के माध्यम से, वो तमाम देश भर के इमामों के माध्यम से मेरे पास अलग अलग जगहों से फतवा आना शुरू हो गया था। चूँकि उन्होंने ये, इसमें मेरा एक नंबर है, मेरा मोबाइल का नंबर उन्होंने इसमें ये मेंशन कर दिया है अपने फतवे के अंदर, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर मेरा नंबर जाहिर करके तमाम पूरे देश के लोगों को मेरा नंबर दे दिया, इमामों को दे दिया, ये फतवा जारी कर दिया। उनसे इन्होंने कहा है कि ये माफ़ी मांग लें, मेरा बायकाट कर रहे हैं, और मुझसे उन्होंने कहा है कि आप जो है इस्तीफ़ा दें, वरना आप अपना अंजाम सोच लें। इसमें उन्होंने चार बिंदु इसमें बुनियादी हैं,
चार बिंदु इसमें बुनियादी हैं। एक बिंदु उनका यह है कि आप प्राण प्रतिष्ठा में क्यों गए, आप चीफ इमाम हैं, आपको जाने का अधिकार ही नहीं है, आप इसलिए आप पर कुफ्र का फतवा जारी होता है। दूसरा बिंदु उन्होंने ये दिया है कि आपने इंसानियत को धर्म से ऊपर कर दिया है, ये आपका गुनाह है, इसलिए आप पर फतवा जारी होता है। तीसरा गुनाह यह है कि आपने धर्म से ऊपर उठकर आपने कहा है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, देश को आपने ऊपर बना दिया है, इसलिए आप भी इस फतवे के लिहाज से आप खारिज हो गए, लिहाजा अब आप पर कुफ्र का फतवा जारी कर दिया गया है और तमाम अलग अलग जो उसकी सजाएं हैं इसमें मुकर्रर कर दी गई। लेकिन मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ, पहली बात तो ये इस्लामिक देश नहीं है, ये भारत है, ये सनातन भारत है। इस भारत में हमेशा से सर्वधर्म संभाव की बात है, यहाँ एकता अखंडता की बात है, अनेकता में एकता की बात है। अगर उनको मेरे इस पैगाम मोहब्बत से तकलीफ है, मेरा विरोध कर रहे हैं, तो उनको मुझे लगता है कि अगर मैं राष्ट्र के साथ देश के साथ अगर प्रेम कर रहा हूँ, मेरा ये दोष है कि मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ, मेरा इसलिए विरोध कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। अब वो लोग जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो देश से मोहब्बत करते हैं, वो मेरा समर्थन करेंगे। जो मेरे से नफरत कर रहे हैं मेरे जाने पर, मुझे लगता है कि शायद उनको भी पाकिस्तान जाना चाहिए। यहाँ पर मोहब्बत का पैगाम हमने दिया है, हमने कोई गुनाह नहीं किया है, राष्ट्र मंदिर था, हम वहाँ राष्ट्र मंदिर पे गए थे और हमने अपना जो पैगाम दिया, हम उस पैगाम पर अटल हैं, हम माफ़ी मांगने वाले नहीं हैं और ना ही मैं माफ़ी मांगूंगा, ना ही मैं किस तरह का इस्तीफ़ा दूंगा। और जिस तरह से वो जो चाहें कर लें, अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है, उन्होंने कहा है कि हम माफ़ करने वाले नहीं हैं, तो मैं भी बता दूं कि मैं आपसे माफ़ी मांगने वाला ही नहीं हूं, क्योंकि मैंने कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे कि कोई किसी को तकलीफ पहुंचे। मेरा कम मकसद है, अपना देश है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, ये भाव सबके अंदर आना चाहिए, राष्ट्र सर्वोपरि है।